हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं पावर हाउस पे काम करता हूँ, तो इस समय अपने पावर हाउस पे पहुँच चुका हूँ और ये हमारे सब स्टेशन मतलब पावर हाउस का कंट्रोल रूम है। यहाँ पे अनेक पैनल लगे हुए हैं, पिछली वीडियो में भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो ड्यूटी हैंड ओवर हो चुकी है और आज ड्यूटी, चूँकि आज दशहरे का पहला दिन है, विजयादशमी जिसको बोलते हैं, तो आज के दिन ड्यूटी है। और देखिए बाहर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है एकदम, आज कंज्यूमर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं तो 10 बजे तक लगभग भीड़ लग जाता था बिल जमा करने और बिल संशोधन कराने के लिए। तो आज विजयादशमी के कारण भीड़ नहीं लगा है और आज बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है। फ्रेंड्स, इस समय सारे फीडर चल रहे हैं और मौसम भी नॉर्मल हो गया है, ठंडी का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में फाल्ट नहीं होता है, क्योंकि लोड अगर अधिक होता है तो उसमें तार वगैरह सब टूटते रहते हैं। नॉर्मल मौसम में फॉल्ट बहुत कम होता है, शटडाउन भी कम होता है, लाइन लगातार चलती रहती है। फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, और वीडियो न बनाने का कारण यह है कि मुझे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो उसमें कमेंट प्यारा सा कर दिया करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करके हर संभव कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, पावर हाउस पे कार्य तो बहुत सरल होता है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से मानसिक प्रेशर भी बना रहता है, अपने आप को उसमें संयम के साथ काम करना पड़ता है। छोटी सी चूक से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ध्यान लगाकर काम करना पड़ता है। और ये जो सरकारी CUG नंबर है, ये भी एक कह सकते हैं कि प्रेशर का कारण हो सकता है, क्योंकि जब लाइनें शटडाउन होती हैं तो शटडाउन करने के साथ लॉगशीट मेंटेन करना, रजिस्टर मेंटेन करने के साथ साथ फ़ोन भी रिसीव करना होता है। तो इस सब कामों में ध्यान को एकाग्र करके, पूर्ण रूप से एकदम एकाग्र करके ही कार्य किया जाता है। आज बहुत दिनों बाद एक ऐसा मौका मिला है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने वाले हैं जो हम लोगों के साथ काम किया करते थे, वो हमारे सीनियर अधिकारी थे और प्रतिभा के धनी, व्यक्तित्व के सरल, और क्या कहा जाए उनके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। चलिए मिलवाते हैं अपने जेई साहब से, वो हमारे पुराने जेई साहब हैं, लेकिन उनके साथ कार्य करके जो अनुभव प्राप्त हुआ, जो मज़ा आया, एक तरह से एक सम्मिलित परिवार के रूप में अपने कर्मचारियों के साथ जेई साहब काम करते थे, और चले जाने के बाद उनकी याद तो खैर दिल में है ही, आज मुलाकात का भी अवसर प्राप्त हो गया। बताए खुशी में क्या हो आपके पैसों में बचा क्या कर यूटी सोना सस्ता गई मालूम है ना 50 हो गई 60 ले 50 हो गया अबे हम देखने हैं सही में 50 ही रेट डाउन है आगे डाउन वाला अरे अभी हेडिंग दे लो तो ना घटत अरे अभी हम देख ले आउट की गई अब वो आप देख रहे हैं उसका लाया ग्राम में फेसबुक वाले या आंडे मंडे वाले इतना थोड़ी गिरी है 1500 गिरी बड़ी बाग है 10000 सीधा कट गया गूगल वाले दादा इतना लंबा और गाइस दोस्तों ये है हमारे पुराने वाले जेई सर श्री अमित शेखर सिंह जी और दोस्तों हम इन्हें प्रणाम करते हैं अपनी तरफ से कि आज हमारे पावर हाउस पे आए इसका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनसे मिलने का सौभाग्य बहुत दिनों बाद प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये हमारे जेई साहब थे जिनके साथ हमने लगभग 4 साल काम किया है और इनके साथ काम करने का जो अनुभव था वो काबिले तारीफ है और काम करके मज़ा भी आता था, काम करने में भी मज़ा आता था। आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ
और मैं बहुत खुश हूँ आज कि अपने जय साहब से आज मुलाकात कर पाया हूँ। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।